प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज सूरन मसाला बनाएंगे, उसके लिए जो सामग्री चाहिए, सूरन को स्लाइस स्लाइस काट करके बॉईल करके लिया है, टमाटर 2 टमाटर काट के लिया है, थोड़ा सा नारियल, काली मिर्ची 5-6 काली मिर्ची, 2 लवंग, 2 ग्रीन मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, स्वादानुसार नमक, हरी धनिया थोड़ा सा, ऑयल, सरसों, कड़ी पत्ता, हल्दी, अभी एक मिक्सी में नारियल डाल रही हूँ, काली मिर्ची, लवंग, ग्रीन मिर्ची, अदरक, धनिया, टमाटर, इसको नाइस पेस्ट कर लेंगे। अभी एक बर्तन में तेल डाल रही हूँ, तेल गरम होने के बाद सरसों, कड़ी पत्ता, हल्दी डाल रही हूँ। सूरन बॉईल करके रखा था ना, वो भी इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से घुमा लेंगे। जो मसाला पीस के रखा था ना, वो मसाला भी इसमें डाल रही हूँ। स्वादानुसार नमक, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसे ही पकाएंगे इसको। देखिए ड्राई हो रहा है। ये चावल के लिए, चपाती के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए पानी सारा सूख गया है, अब ये रेडी हो गया है। सूरन मसाला रेडी हो गया है। अभी इसको मैं सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। धनिया से गार्निश कर रही हूँ। सूरन मसाला रेडी।